करके कमरिया घाट सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूँ। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं अनिल की ट्यूब ब्लॉग। सो दोस्तों, अभी हम आए हैं कंवरिया घाट, यहाँ पर एक पुल बना है नया नया, तो उसका उद्घाटन करने हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम श्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी आ रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आज तक पहुँचे सबसे पहले। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है और बहुत सारी गाड़ियाँ भी आई हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग आ रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से को एक झलक देखने के लिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कितने सारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और लगे भी क्यों नहीं, आखिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कब आते हैं उसके बाद। सो दोस्तों, अभी देख सकते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ गए हैं
अभी वो गए उद्घाटन करने, यहाँ से अभी 3 किलोमीटर है, तो अभी देखिए जनता कितनी ज्यादा है उन्हें देखने के लिए बहुत। विभाग के मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने गुरुवार को कमरिया घाट पुल पहुंचकर घाघरा नदी पर बने नव निर्मित पुल को लोकार्पित किया। बता दें कि लगभग 194 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1412.31 मीटर लंबे इस पुल पर संचालन शुरू होने के साथ ही गोरखपुर से संगम नगरी प्रयागराज के बीच की दूरी लगभग 80 किलोमीटर कम हो जाएगी। 500 गांवों के लगभग 20 लाख लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। वहीं अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या जाने के लिए लोगों के पास एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध हो जाएगा। इस कर्मिया घाट पुल का लोकार्पण कर करजल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद समर्पित करें। 193.97 करोड़ से निर्मित 1412.45 मीटर गोरखपुर के दक्षिणांचल बेलघाट सिकरीगंज और उसके आसपास क्षेत्र से जुड़े हुए खजनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, कमरिया घाट सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं। जन्माष्टमी के एक दिन पहले, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था ना, और भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था? सत्य के लिए, न्याय के लिए और धर्म के लिए। और आज इस क्षेत्र के विकास की जो सत्य की लड़ाई थी, विकास और धर्म की लड़ाई थी, उसमें विजय प्राप्त होने पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देने के लिए विशेष रूप से आया हूं। मुझे याद है जब कमरिया घाट सेतु निर्माण के लिए यहाँ आंदोलन हुआ था, उस समय हमारी संसद चल रही थी और उस समय एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते स्वर्गीय मैया के कारण बच पाई थी। यहाँ पर तमाम आंदोलनकारियों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रूरता के साथ उन पर बड़ा अत्याचार ढाया था और आंदोलन को दबाने के लिए तमाम प्रयास किए थे। तब मैं सांसद था और मैंने गोरखपुर के सांसद के रूप में देश की संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था और तब मैंने इस बात को कहा था कि ये वहां की जायज मांग है, क्योंकि गोरखपुर के जब विकास की आप बात करते हैं तो गोरखपुर महानगर और उसके आसपास तो थोड़ा बहुत विकास हुआ भी, लेकिन दक्षिणांचल का क्षेत्र एकदम विकास से कोसों दूर था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने कमरिया घाट के एक सेतु की मांग की थी, वह तो बन के तैयार हो गया है। 4 लेन का दूसरा सेतु बगल में भी बनने को तैयार है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के बनने के साथ ही बेलघाट, सिकरीगंज, खजनी, गोला, पुरवा और इस आसपास के बांस गांव, आसपास के पूरे क्षेत्र में इनका लखनऊ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, अम्बेडकर नगर जाने के लिए या फिर
आजमगढ़ जाने के लिए जो दूरी है वो बहुत सीमित हो जाएगी। अभी जो लखनऊ जाने में आपको 4.5 घंटे लगते होंगे। जैसे विकास की प्रक्रिया के साथ क्षेत्र तेजी के साथ जुड़ेगा। और भाइयों बहनों यही एक अंतर है, वे लोग बांटते थे इसलिए पुल का भी विरोध करते थे, हम लोग जोड़ते हैं। तो हम लोगों ने सेतु बंध का निर्माण भी यहाँ पर आपके लिए करवा करके दे दिया है। और इसलिए जन्माष्टमी के एक दिन पहले पूरा लोक निर्माण विभाग यहाँ पर आया है, पूरा प्रशासन गोरखपुर का आया हुआ है, सभी जनप्रतिनिधि गोरखपुर के यहाँ पर आए हुए हैं, आपको बधाई भी दे रहे हैं और साथ साथ आपकी समस्या का समाधान होने पर आपकी खुशी के साथ खुशी भी यहाँ पर व्यक्त करते हुए आपकी खुशी के साथ साझेदारी भी बन रहे हैं। इससे बड़ी खुशी के साथ साझेदारी होना ये सबसे बड़ी उत्सव और उमंग का अवसर होता है।